कोई
पहली होगी कि शेयर कैपिटल हमेशा असल कीमत से निकल जाएगा, 7000 को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी एंट्री सारी कंप्लीट होती है। अब देखिए एप्लीकेशंस 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 ये आप उसमें कर गए हैं। मेंस के मैंने आपको बताया 9 लाख रुपए से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही थी, 2 लाख रुपए से डेबिट कट गई, यहां कितनी बची 7 लाख रुपए की, फिर 7 लाख खत्म कर देंगे डेबिट कट गई, मेंस को इतना कट गया डेबिट 7 लाख रुपए से, अब ये जीरो बच गया, इसका बैलेंस क्या हो गया जीरो। तो बैंक में हमारे पास 9 लाख रुपए डेबिट हो रहा था, उसमें से 2 लाख रुपए क्या हो गया क्रेडिट हो गया, मेंस के वापस कर दिया। तो बैंक में 9 लाख रुपए पड़ा हुआ था उसमें से रिफंड कितना हो गया 2 लाख रुपए, पीछे कितना बचा 7 लाख। उसके बाद एक ही चीज बचती है और वो है शेयर कैपिटल, क्या बचता है शेयर कैपिटल, और ये कितने से था 7 लाख रुपए से तभी आ गया। इशू देन पेड कैपिटल 7000 शेयर थे 100 रुपए के लिहाज से तो कितना आ गया 7 लाख। और वही ऑथराइज्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन जो हम हमेशा देते हैं 10000 शेयर थे 100 रुपए के लिहाज से 10 लाख। अब हम ये वाला कवर हो गया, इसको जरा नोट कर लें, आप इसको देख लें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, अब देखिए जरा अब हम जा रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, और जो दूसरा पार्ट है इशू डेट 40% प्रीमियम, इशू डेट 40% प्रीमियम। और ये भी कौन सा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्ट है। तो अब हम बेटा ये वाला टॉपिक आ रहे हैं एट 40% प्रीमियम वाला, पहले नहीं कौन सा गया था एट पार वाला, अब हम कौन सा करने जा रहे हैं एट 40% प्रीमियम वाला करने जा रहे हैं। तो बात वही है 7000 शेयर इशू किए थे, 9000 एप्लीकेशन आए थे, 2000 वापस कर दिए, ठीक है बेटा 7000 शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, जिसके बदले में कंपनी को 9000 एप्लीकेशन आई और उनमें से 2000 एप्लीकेशन रिफंड कर दिए गए। तो पहले ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, फॉर्म में क्या था जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना आपके इशू प्राइस के साथ। इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये है पार वैल्यू ऑफ शेयर 100, हमारा जो शेयर था वो 100 रुपए का एक था, उसमें प्लस करेंगे 40% प्रीमियम, ठीक है बच्चों। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे 100 रुपए का शेयर था उसको 40 फीसद के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 रुपए आएंगे, ठीक है बच्चों। ये भैया दिया 140 रुपए हमारे पास आ गए इशू प्राइस। अब जितने शेयर हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं उनके साथ इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,60,000 रुपए के अमाउंट हमारे पास आ गए बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे तो 2000 शेयर्स की जो अमाउंट है 2000 एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वापस हो जाएगी। असल ये होता है कि जितने पैसे लोगों से लिए थे उतने ही पैसे लोगों को आपने वापस कर देंगे, तो जब आप उतने ही पैसे वापस करेंगे तो 280,000 रुपए के अमाउंट आपने लोगों को वापस कर दिए। अगर आप रिवर्स से देखिएगा पहले शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही थी 12,60,000, इसको डिलीट करने के लिए हमने डेबिट कर दिया 2,80,000 रुपए से, पीछे कितने अमाउंट बची 9,80,000 रुपए क्रेडिट में, मेल के एप्लीकेशन 12,60,000 रुपए से क्रेडिट थी उसमें से खत्म करने के लिए 2,80,000 रुपए से डेबिट, ठीक है। अभी यहाँ मजीद अमाउंट क्रेडिट हो रही है लेकिन कितनी 9,80,000 रुपए से, ठीक है। तो 9,80,000 रुपए से मेरे पास ये अमाउंट क्रेडिट थी इसको मैंने खत्म करने के लिए 9,80,000 रुपए से डेबिट कर दिया, एंट्री वही बन गई शेयर एप्लीकेशन डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये एंट्री पर आपको सही गई है। तो
तो शेयर कैपिटल जो है इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, इसकी असल कीमत के साथ हमेशा। तो 7,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, 7 लाख रुपए आ गया। 7,000 शेयर हैं, 40 रुपए का प्रीमियम मिला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2,80,000 रुपए आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्री कवर हो गई। एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस एप्लीकेशन तीनों कट के जीरो बैलेंस हो गया। बैंक में हमारे पास 12,60,000 रुपए जो था, जिसमें से कितने पैसे निकले, 2,80,000। ये देखिए ना, बैंक में 12,60,000 रुपए मौजूद था, जिसमें से कितने पैसे निकल गए, 2,80,000 रुपया निकल गया। तो बैंक में 12,60,000 रुपए मौजूद था, 2,80,000 रुपया निकल गया। लोगों को वापस कर दिया ना, पिछले साल था 9,80,000 रुपया बच गया। तो यही हमारा जवाब आ गया। अब अतराज के अपने की बात करते हैं, तो वही वाली इंफॉर्मेशन जो हमने पहले भी दी हुई थी, 10,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, 10 लाख रुपए आ गया। स्टूडेंट पेड कैपिटल भी क्या है, 7,000 शेयर हैं, 100 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपए आ गया। और प्रीमियम है 2,80,000 रुपए की। ये दो चीजें रहती थी ना, ये दो चीजें अब यहाँ हमारी रिकॉर्ड हो गई, तो ये हमारा टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमने पढ़ना है तीसरे टॉपिक की तरफ, आप इसको नोट कर। तो जी बच्चों, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के आखिरी हिस्से की तरफ, और वो है तीसरा हिस्सा, और वो है एट 10% डिस्काउंट। एक बार फिर क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। कंपनी ने 7,000 शेयर्स इशू किए थे एट पार, एट 10% डिस्काउंट, एट 40% प्रीमियम। हम पार भी सीख चुके हैं, प्रीमियम भी सीख चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो कंपनी ने बच्चों 7,000 शेयर इशू किए थे, जिसमें से आपको 9,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी और 2,000 एप्लीकेशन आपने लोगों को वापस कर दी थी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एट 10% डिस्काउंट की। सबसे पहले बेटा डिस्काउंट वैल्यू करना सीखिए, कैलकुलेशन फॉर डिस्काउंट। पार का शेयर किया है 100 रुपए, उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो जब आप 100 रुपए से 10 रुपए माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 90। जो 90 रुपए है ये आपका है इशू प्राइस है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अमाउंट क्रेडिट। कैसे, 9,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है और एक एप्लीकेशन की कीमत कितनी है, 90 रुपए। फार्मूला हमारा था ना, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,10,000 का प्राइस अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस एंट्री को ओवरराइड करेंगे। और क्यों करेंगे, रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि हमने लोगों को पैसे वापस करने हैं। 2,000 एप्लीकेशन का पैसा जिस तरह लिया था उसी तरह वापस कर देंगे। हमने 90-90 रुपए के हिसाब से पैसे लिए थे और 90 रुपए के हिसाब से पैसे वापस करेंगे, तो 1,80,000 का हमारे पास अमाउंट है। क्या होंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब देखिए शेयर एप्लीकेशन 8,10,000 से क्रेडिट है। ठीक है, ये 8,10,000 रुपए से क्रेडिट है, उसमें से 1,80,000 रुपए खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया उसको। अभी यहां मजीद कितनी अमाउंट बाकी बची हुई है, 6,30,000। मैंने यहां लिखा हुआ है कि क्रेडिट थी 8,10,000 रुपए से शेयर एप्लीकेशन, हमने डेबिट किया खत्म करने के लिए 1,80,000 रुपए से, अभी बाकी कितनी बची है क्रेडिट, 6,30,000। अब क्रेडिट है ना, उसको खत्म करने के लिए अगेन हम डेबिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन को 6,30,000 रुपए से, और शेयर कैपिटल हमारा 7,00,000 रुपए से आ जाएगा। और इन दोनों अमाउंट का फर्क होगा वो हमारा आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर 17,000 रुपए से। और डिस्काउंट के मुताबिक हमने सीखा हुआ है कि जो डिस्काउंट है ये एसेट साइड पर ज्यादा है डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग के नीचे, क्योंकि ये हमारा कैपिटल लॉस है जो कभी कभार होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। ऑथराइज कैपिटल जो एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने बताई, यहां से हमने उठाई है ये 10,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाली इंफॉर्मेशन 7,000 शेयर हैं, 100 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया इशू एंड पेड कैपिटल। ठीक है बच्चों, बैंक में हमारे पास 8,10,000 रुपए मौजूद था, जिसमें से 1,80,000 रुपए लोगों को वापस कर दिया। बैंक में 8,10,000 रुपए मौजूद था,
रिफंड कितना किया 1,80,000 रुपया, 6,30 हमारे पास अमाउंट था। अब एक ही चीज बची है, डिस्काउंट ऑन शेयर, और वो डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग बना के उसके नीचे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन शेयर 7,000। तो बेटा हमारा आज का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आपकी कोशिश करनी है कि आप घर से करें प्रॉब्लम नंबर 6 और 7, ये दोनों आप आसानी खुद कर सकते हैं। ये आपके असाइनमेंट है। 6 और 7 जो है ये दोनों डिस्काउंट पे यूज है। तो इंशाल्लाह कल हमारा आगे टॉपिक होगा इस क्वेश्चन का जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से, और वो है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपने घरों में ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।